हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सपूरा क्लासेस आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे राइडर्स टू द सी जो कि जेम्स सिंजे के द्वारा लिखा गया है जेम्स सिंजे का पूरा नाम है जॉन मिलिंगटन सिंज राइडर्स टू द सी ये एक वन एक्ट प्ले है मतलब कि ये जो प्ले है ये वन एक्ट का प्ले है ये एक ट्रेजेडी है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं प्ले को शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्ले के इम्पॉटेंट कैरेक्टर का नाम बतला देती हूँ इस प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मॉरिया कैथलिन नौरा बाटली एंड माइकल जो मॉरिया है वो मदर है और ये जो कैथलिन नौरा बाटली और माइकल है ये इसके चाइल्ड हैं इसके बच्चे हैं तो जो कैथलिन है वो नौरा की बड़ी बहन है जो बाटली है वो मौर्य का लाइव सन है मतलब जिंदा बेटा है और जो माइकल है वो मौर्य का डेड सन है मतलब कि वो मर गया है इस प्ले में नेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस प्ले में जो सी मतलब जो समुद्र है उसका बहुत 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 सिग्निफिकेंट रोल है कैसे ये मैं आपको प्ले में बताऊंगी तो चलिए प्ले को पहनना शुरू करते हैं इस प्ले का जो सेटिंग है वो है एरेन आइलैंड प्ले का शुरुआत होता है जब जो कैथलिन है जो कि एक लड़की है बीस साल की वो फर्स्ट फ्लोर को नीड की है मतलब वो आटे को रेडी की है केक बनाने के लिए उसकी जो यंगर सिस्टर नौरा है वो आती है और आते ही पूछती है कि उसकी माँ मौर्य कहाँ है उसकी बहन उसे बतलाती है कि मौर्य मतलब उनकी माँ जो है वो सोने का कोशिश कर रही है इनर रूम में मौर्य है वो बहुत ही टेंशन में है बहुत ही दुख में है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ऐसा खबर आया था ऐसा रिपोर्ट किया गया था कि उसका जो बेटा है जो कि माइकल है वो समुन्द्र में डूब गया है और उसकी जो माँ है वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि उसके बेटे का जो बॉडी है वो बहकर किनारे पर आ जाए जबकि ऐसा नौ दिन पार हो चुका है जब वो लोग उसके बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं मतलब कि नौ दिन से वो लोग माइकल के बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं और जो मॉरिया है वो हर दिन शीशोर पर देखने जाती है वो हर दिन समुंद्र के किनारे देखने जाती है कि उसका जो बॉडी है माइकल का बॉडी वो आया या नहीं नाउ जो नौरा है वो बहुत ही अपसेट है बहुत ही दुखी है वो अपने साथ एक बंडल लाई है जिसमें कि शर्ट है और एक प्लेन स्टॉकिंग है जो कि एक ड्रॉन्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो डूब गया था उसके शरीर से निकाला गया है पृष्ठ ने उसे ये बंडल दिया है ताकि वो कंफर्म करके बताए कि ये जो बॉडी है वो माइकल का है या किसी और का इधर जो बाटली है जो कि उसका अलाइव सन है वो आज ही के दिन जाना चाहता है मेन लैंड क्योंकि कोई भी और बोट एक सप्ताह तक लैंड नहीं जाएगा और वो अपने साथ अपना रेड मेयर और ग्रे पोनी भी ले जाएगा वो ऐसा क्यों करेगा क्योंकि उसे अपना जो एनिमल है उसको बेचना है मेन लैंड में जाकर जिससे वो अच्छा पैसा कमा पाएगा जबकि जो वेदर है वो अच्छा नहीं है जो मौसम है वो अच्छा नहीं है काफ़ी रफ़ है और कुछ समय बाद ये मौसम और भी अधिक रफ़ और ख़राब हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है लेकिन मौसम के परवाह किए बग़ैर जो बाटली है वो चाहता है कि वो जाए ताकि वो एनिमल को बेच सके और अच्छा पैसा कमा सके कैथलीन और नौरा जो है ये लोग उसी को देने के लिए केक प्रिपेयर कर रही हैं ताकि उसके पास इस जर्नी में खाने के लिए कुछ रहे मैंने आपको बताया था कि जो नौरा है वो कुछ बंडल लाई थी कपड़ा का उसे वो छिपा देती है क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं सडनली उसकी माँ आ जाएगी तो उसे देख लेगी तो वो बहुत रोने लगेगी उसे बहुत ग्रीफ होगा बहुत ही वो दुखी होगी इसलिए वो उस बंडल को अपनी माँ से छिपा देती है इधर जो मौर्या है वो बहुत ही बहुत ही दुखी है बहुत ही टेंशन में है उसे डर है कि बाटली को कुछ हो ना जाए वो बाटली के सेफ्टी को लेकर बहुत ही डरी हुई है मौर्या किचन में इंटर करती है और कहती है कि बाटली को कहीं नहीं जाने दिया जाए मतलब वो मना करती है वो कहती है कि बाटली को मैनलैंड एनिमल बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए नहीं जाने दिया जाए वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि जो बाटली है वो सेफ रहे सुरक्षित रहें और वो ऐसा आशा करती है कि जो यंग पृष्ठ है वो उसे रोकेगा जाने से लेकिन जो नौरा है वो बोलती है कि पृष्ठ उसे नहीं रोकेगा क्योंकि बाटली जो है वो डिटरमाइंड है पूरा वो पहले से निश्चय कर लिया है कि वो जाएगा इसके बाद बाटली आता है अभी से पहले तक हम बाटली के बारे में केवल बात कर रहे थे बाटली कैरेक्टर अभी अपीयर हुआ है बाटली आता है और बोलता है कि मुझे रस्सी दो वो कैथलिन से रस्सी मांगता है क्योंकि उससे उस, उस रस्सी का यूज करेगा वो हल्टर बनाने में हल्टर मतलब लगाम होता है वो अपने सिस्टर को बतलाता है कि वो रेड मेयर मतलब लाल घोड़ी पर जाएगा और ग्रे पोनी उसके पीछे रन करेगा उसके पीछे दौड़ेगा ये जो पोनी है वो एक जाति का छोटे जाति का घोड़ा है मेयर मतलब घोड़ी और पोनी मतलब ये भी एक छोटे जाति का घोड़ा होता है मौर्या बाटली को मना कहती है उसे कहती है कि तुम मेन जाने का जो ख्वाहिश है जो इंटेंशन है जो इरादा है उसे बदल दूँ वो कहती है कि उसे बाटली का जरूरत पड़ेगा तब जब माइकल का बॉडी आ जाएगा बहकर और उस उसे कॉफिन बनाना होगा और वो उसे मना करती है जाने से इसलिए भी क्योंकि जो सी है जो समुद्र है वो काफ़ी स्टॉर्मी है इस आंधी में जाना उचित नहीं होगा ये काफ़ी डेंजरस है जबकि जो बाटली है वो मौर्य को इग्नोर कर देता है और उसकी एडवाइस को नहीं मानता है और वो हाउस छोड़कर चला जाता है जाने से पहले वो अपनी बहन को कुछ नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दे देता है वो अपनी बहन को बतला देता है कि उसे क्या करना है क्या काम करना होगा उसके एबसेंस में जब बाटली दरवाजा पे रहता है उसी समय मौर्या बोल देती है कि वो बाटली को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी उसके कहने का मतलब यह होता है कि अब जो बाटली है वो भी समुद्र में डूब जाएगा लेकिन जो कैथलिन है वो अपनी माँ को स्कॉल्ड कहती है डांटती है बोलती है कि ऐसे अनलकी वर्ड्स तुम क्यों बोली जब बाटली चला जाता है तो उसकी बहन कैथलिन को याद आता है कि उसे बाटली को केक देना था रास्ते के लिए तो वो अपनी माँ को बोलती है कि तुम ये ले लो और इस केक को बाटली को दे दो साथ ही साथ तुम उसे आशीर्वाद भी दे देना ब्लेसिंग्स भी दे देना जिससे तुम्हारा बोला हुआ जो वर्ड्स है उसका असर खत्म हो जाएगा मतलब वो नलीफाई हो जाएगा तुम्हारे अनलकी वर्ड्स नलीफाई हो जाएंगे तुम्हारे ब्लेसिंग्स से जब मौर्या चली जाती है तो जो दोनों बहनें हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो लोग एक बंडल छिपाती है जिसको वो लाती है जिसमें कपड़ा रहता है जिसे उसे मैच करना रहता है कि वो कपड़ा उसके ब्रदर माइकल का है या नहीं तो जो नौरा है वो उस कपड़े के बंडल को लेकर आती है और उसे मैच करती है जो फ्लिनल होता है वो सेम होता है दोनों केसेस में लेकिन वो लोग ये नहीं मानती हैं कि माइकल मर गया है बल्कि वो लोग ये सोचती है कि किसी और के पास भी ऐसा शर्ट हो सकता है जिसका कि फ्लैनल सेम हो मतलब कि सेम फ्लैनल से बना हुआ शर्ट हो सकता है किसी और व्यक्ति के पास भी लेकिन बाद में जो नौरा है वो उसमें का स्टिचेज काउंट करती है और वो ये देख के शौक हो जाती है कि सेम नंबर ऑफ़ स्टिच है इस शर्ट पे मतलब कि जितने टाके उसने लगाए थे अपने ब्रदर माइकल के सर पे उतना ही टाके यहाँ पर हैं और वो लोग कंफर्म हो जाती है कि ये जो कपड़ा है वो माइकल का ही है और जो माइकल है वो डूब गया है और उसका डेथ हो गया है जो कैथलिन है वो बहुत रोती है इसके बाद जो मौर्या है वो वापस आ जाती है मौर्या को वापस घर की तरफ आते देख नौरा और कैथलिन वापस से उस बंडल को छुपा देती है जब मौर्या वापस आती है तो उसका कंडीशन अलग रहता है बहुत अजीब रहता है जब वो वापस आती है तो वो बहुत ही दुखी रहती है वो अपने बेटी को बतलाती है कि उसका जो हर्ट है वो ब्रोक हो गया उसका दिल टूट गया तो उसकी जो डॉटर है वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ ऐसा क्या देख लिया तुमने जो इतना डर गई जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो वो बोलती है कि आज वो मोस्ट ड्रेडफुल मतलब कि बहुत ही ज्यादा डरावना सीन देखी है ऐसा सुनकर कैथलीन और नारा भी काफी स्केयर्ड हो जाती है काफी डर जाती है और वो अपनी मम्मी के अपनी माँ की बातों को सुनती है और वो पूछती है कि एग्जैक्टली exactly तुमने क्या देखा तो जो मौर्या है वो रिप्लाई देती है कि वो सबसे पहले बाटली को देखी जो कि राइड कर रहा है मतलब घोड़े पर बैठा हुआ है रेड घोड़े पर मेयर मतलब घोड़ी होता है वो घोड़ी पर बैठा हुआ है और उसके पीछे पोनी पर पोनी एक छोटी प्रजाति का घोड़ा ही होता है उस पर माइकल बैठा हुआ है बतलाती है कि जो माइकल है वो खुद से ग्रे पोनी पर बैठा हुआ था और उसे चला रहा था वो कहती है कि वो बाटली को आशीर्वाद देना चाह रही थी उसे ब्लेस करना चाह रही थी वो कहती है कि वो कहना चाह रही थी गॉड स्पीड यू लेकिन वो कह नहीं पाई ऐसा लगा मानो उसका गला चोकड हो गया है वो बतलाती है कि वो बाटली को वो ब्रेड भी ना दे पाई जिसे देने वो गई थी मौर्या कहती है कि बाटली अब समुद्र में खत्म हो जाएगा इसके बाद मौर्या याद करती है अपने घर के मेल मेंबर्स के डेथ को कि कैसे उसके घर के मेल मेंबर वन बाय वन मर गए थे कैसे ये जो समुद्र है वो मौर्य के घर के सारे मेंबर को मेल मेंबर को वन बाय वन उसे छीनता गया वो कहती है जो समुद्र है वो उसके हस्बैंड उसके हस्बैंड के फादर और उसके पांचों बेटों को मार दिया उससे दूर कर दिया और अब उसके आखिरी बेटे जो कि अलाइव है बाटली उसका बारी है जो समुद्र है वो उससे उसका बेटा बाटली को भी छीन लेगा जो मौर्य है वो अपनी बेटियों को बतलाती है कि कैसे उस घर के सारे मेल मेंबर वन बाई वन मर गए वो बतलाती है कि कैसे उसका बेटा जिसका नाम पैच है वो समुद्र में डूब गया था और उसका जो डेड बॉडी है वो उसके घर में कैसे आया था बहुत साल पहले जब उसका बेटा पैच मर गया था तो उसका डेड बॉडी कैसे घर में आया था वो बतलाती है कि कैसे बहुत सारी विमेन उसके घर में आई थी सब रो रही थी बहुत ही दुखी थी और उन विमेनों के पीछे उन्हें फॉलो करते हुए कुछ मैन आए थे जिनके हाथ में डेड बॉडी था वो इस अकाउंट को अपनी बेटी को बता ही रही थी कि उसी समय सच में कुछ मैन बाटली के डेड बॉडी को लेकर आए और इस प्रकार जो मौर्या का प्रीमोनिशन था बाटली को लेके वो सच साबित हो गया नाव एट द एंड ऑफ द नोवेल जो नाव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नोवेल जो मौर्या है वो बहुत दुखी है बाटली के डेथ को लेके वो बहुत रो रही है वो रो रही है क्योंकि सारे मेल मेंबर मौर्य के फैमिली के सारे मेल मेंबर मर गए वो कहती है कि अब जो सी है जो समुद्र है वो मौर्य को और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मौर्य का सब कुछ छीन चुका है अब वो दुखी नहीं रहेगी अब वो रात में जगी हुई नहीं रहेगी इस चिंता से कि उसके जो घर के मेल मेंबर है वो बाहर है समुद्र के यात्रा में है बल्कि अब वो चैन की नींद सो सकेगी अब वो रातों में लंबे समय तक सो सकती है हाँ ये बात ज़रूर है कि उसके जो डॉटर हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगा ब्रेड के लिए डेली लाइफ में बेसिक नीड के लिए लेकिन फिर भी अब वो लोग को कोई चिंता नहीं है वो होली वाटर मतलब पवित्र पानी डालती है माइकल के क्लोथ पे और बाटली के डेड बॉडी पे और वो भगवान को कहती है कि जो मर चुके हैं उनके आत्मा को शांति दें और जो जीवित है उनके आत्मा को भी शांति दें वो कहती है कि जो माइकल है उसे एक डिसेंट ब्यूरियल मिल चुका है नॉर्थ में और वो बाटली को भी डिसेंट ब्यूरियल देना चाहती है वो कहती है कि आफ्टर ऑल सबको तो एक दिन मरना ही है इसलिए उसे अब कोई चिंता नहीं है जो भी डेट उसके फैमिली में हुआ है उसको लेकर अब वो दुखी नहीं है सबको एक दिन मरना ही है वो अपने लाइफ के इस ट्रेजेडी को इस कदर एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर ये नोवेल ख़त्म होता है आई होप कि आपको ये नोवेल अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू